शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध और महामानव बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की, तो आज हम बात करेंगे पांचवें भाग की। पांचवें भाग के पहले अध्याय की बुद्ध और वैदिक ऋषि। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए थे, जब उन्होंने 10 पारमिताओं को, 10 जीवन चरणों को और 6 साल लगभग उन्होंने सभी प्रकार का ज्ञान और 6 साल की कड़ी तपश्चर्या के बाद वो बोधिसत्व से बुद्ध बन गए। बुद्ध बनने के बाद सिद्धार्थ गौतम ने सभी जो ग्रंथ थे, चाहे वेद हो चाहे कोई ऋषि हो, उनके बारे में उन्होंने करीबी से जाना, उसका अध्ययन उन्होंने किया। तो उन्होंने पाया कि वेद जो है मंत्रों और स्तुतियों का संग्रह है और जो इनका पाठ करते हैं वो ऋषि कहलाते थे। तो इस तरीके से ये जो वेदों की जो प्रार्थनाएं या जो इनसे जो आह्वान करते थे, वो बहुत सारे देवताओं से जो आह्वान करते थे, उनमें इंद्र हो गया, ब्रह्मा हो गया, सोम हो गया, वरुण हो गया, प्रजापति हो गई, ईशान हो गया, यम हो गया, इस तरीके के बहुत सारे देवताओं से ये आह्वान मात्र था। ये जो मंत्रों का उच्चारण करना था वो सिर्फ उनसे आह्वान मात्र था। तो ये आह्वान क्यों किए जाते थे या ये प्रार्थनाएं क्यों की जाती थी या मंत्रों का उच्चारण क्यों किया जाता था, ये इसलिए किया जाता था ताकि वो अपने शत्रुओं के विरुद्ध सहायता प्राप्त कर सके, दूसरा वो उपहार स्वरूप धन की प्राप्ति कर सके, और तीसरा जो था वो अपने भक्तों से अच्छा भोजन, मांस और सुरा यानी कि शराब की भेंट को स्वीकार करने के लिए ये आह्वान किए जाते थे। क्योंकि वेदों में दर्शन नहीं था, तो बहुत सारे वैदिक ऋषि ऐसे थे जिन्होंने दार्शनिक ढंग को ही निराधार कल्पना के रूप में उन्होंने अपनाया हुआ था। ऐसे बहुत सारे वैदिक ऋषि थे जिनमें जैसे जिनका मैं कुछ नाम भी बताना चाहूंगी कि आदिमर्शन, दूसरा जो था प्रजापति परमेष्ठी, तीसरा जो था ब्रह्मण इस्पति यानी कि जो आज बृहस्पति के नाम से जाना जाता है, चौथा अनिल था, पांचवा दीर्घतमा था, छठा नारायण था, सातवा हिरण्यगर्भ था और आठवां जो था वो विश्वकर्मा था। तो ये ऐसे दार्शनिक अपने आप को मानते थे और इनकी एक ही समस्या थी, मूल इनकी समस्या जो थी वो एक ही थी, वो थी कि इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पे जो ये सारी चीजें हैं उनकी कैसे वो मतलब उत्पत्ति हुई, कहाँ वो विलीन हो जाते हैं। तो इन चीजों में इन्होंने अपने अपने तुक लगाए, मतलब अपने अपने तरीके से सबने बताया कि संसार की उत्पत्ति ऐसे हुई। तो ये जो देखिए ये जो चैप्टर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुने कि इनके अकॉर्डिंग संसार की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले जो विचार आया वो अदमर्शन का आया और उसने कहा कि ये जो संसार की जो उत्पत्ति है वो तपस से हुई है यानी कि ताप से हुई है, ताप के कारण ही सत्य नियम रात्रि और जल की उत्पत्ति हुई और जल की उत्पत्ति के कारण काल की उत्पत्ति हुई और काल से ही जो है दिन हुआ, रात हुआ, सूर्य चंद्रमा अंतरिक्ष स्वर्ग और ये पूरे जितनी भी सारी चीजें हैं ये सारी की सारी चीजें काल के कारण इनकी उत्पत्ति हुई। तो आदमर्शन के अनुसार जो संसार की जो उत्पत्ति हुई वो ताप के कारण हुई, तपस के कारण हुई। दूसरे की एक अलग थ्योरी थी यानी कि बृहस्पति की। बृहस्पति ने बोला कि ये जो इस संसार का जो उत्पत्ति हुई
वो असत के रूप में मतलब असत से सत के रूप में हुई, यानी कि असत का जो अर्थ है वो अनंत से उसने लगाया और अनंत से ही इस संसार की मतलब यही संसार की उत्पत्ति का कारण है और सभी सत यानी कि सभी सत सभी असतों के मूलाधार है। ये बृहस्पति ने संसार की उत्पत्ति के बारे में बताया। तीसरा जो था वो प्रजापति परमेष्टि ने बताया, उसने कहा कि ये जो असत और सत का जो प्रश्न है वो प्रासंगिक नहीं है, इसलिए मैं इसको निराधार मेरे अकॉर्डिंग ये निराधार है और उन इसके प्रजापति परमेष्टि के अकॉर्डिंग संसार की जो उत्पत्ति हुई वो जल के कारण हुई, यानी कि जल से जल में ऐसे निहित तत्व होते हैं जो अलग अलग वस्तुओं में आकार धारण करते हैं और वो विश्वव्यापी आकार जो जल धारण करता है वो विश्वव्यापी आकार ही उसी को ही कर्मों का नाम दिया गया, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो संसार की उत्पत्ति हुई वो जल के कारण हुई। अब चौथा आ गया अनिल। अनिल जो था जो ऋषि था उसने कहा कि जो संसार की जो उत्पत्ति हुई है वो वायु के कारण हुई है, यानी कि वायु में एक ऐसा गतिशीलता का एक अंतर्निहित क्षमता है और इसी क्षमता के कारण इसी गतिशीलता के कारण संसार के सभी सभी चीजों की उत्पत्ति हुई, यानी कि इसी से ही बीजांकुर या उत्पादन करने की जो क्षमता है इसमें वायु में उत्पादन करने की जो है संपन्न है, ये उत्पादन करने के लिए संपन्न है, तो वायु को उन्होंने संसार की उत्पत्ति का कारण माना। पांचवा जो था वो दीर्घतमा था, तो दीर्घतमा ने जो संसार की जो उत्पत्ति का जो कारण बताया उसने बताया कि ये संसार की या जगत जो रचा है बसा है वो सूर्य के ऊपर निर्भर है, यानी कि सूर्य को थामा गया है और सूर्य को आगे पीछे धकेला गया, ये उनके मत के अनुसार है, यानी कि दीर्घतमा ने ये कहा कि सूर्य को आगे पीछे धकेला जा सकता है और सूर्य के कारण ही विद्युत और अग्नि होती है सूर्य में और अग्नि के कारण जो है जल की उत्पत्ति हुई और जल की उत्पत्ति के कारण ही बीजा में बीजा अंकुर हुए। तो दीर्घतमा के अनुसार जो है सूर्य से पूरे इसकी पृथ्वी की पूरे संसार की उत्पत्ति हुई। छठा आ गया नारायण। नारायण के अनुसार उसके मत के अनुसार वो कहते हैं कि जो संसार ये जो जगत रचा है या ये जो बसा है ये पुरुष के मतलब पुरुष ही इसका आधार है, पुरुष को उन्होंने ईश्वर की वो दी है उपमा, यानी कि पुरुष मतलब ईश्वर, तो ये पुरुष के कारण जो है संसार की उत्पत्ति हुई और पुरुष के कारण ही सूर्य चंद्रमा अंतरिक्ष और पृथ्वी रात दिन ये सभी जितने भी सारी चीजें थी वो सिर्फ इसके कारण मतलब पुरुष के कारण उत्पन्न हुई, जितनी भी सभी तरह के पशु पक्षी सभी तरह के मनुष्य सभी तरह की संस्थाओं की जो उत्पत्ति हुई वो पुरुष के कारण हुई, पुरुष यानी कि ईश्वर के कारण हुई, तो ऐसा इन्होंने माना। फिर जो सातवां जो है दीर्घतमा सातवां जो है वो है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ के अनुसार जो है इस जगत की जो उत्पत्ति हुई वो उसने कहा कि श्रवण बीजांकुर ही महान शक्ति है और पार्थिव और दिव्य शक्ति दिव्य शक्तियां और अस्तित्व की उत्पत्ति हुई और अग्नि से ही मतलब अग्नि से ही ये सब की उत्पत्ति हुई और अग्नि ही जो है इन सब का
सिद्धांत है और उत्पादन का भी जो जितनी भी चीजें उत्पादन हो रही है वो अग्नि के कारण हो रही है। तो इन्होंने अग्नि को मतलब उत्पत्ति का कारण माना, संसार की उत्पत्ति का। और ये जो विश्वकर्मा था, विश्वकर्मा ने तो एक अपनी अलग ही थ्योरी दे दी जो कि बिल्कुल ही असंतोषजनक थी। वो विश्वकर्मा कहता है कि इस संसार की जो उत्पत्ति हुई वो ईश्वर के कारण हुई। उसने यहाँ पर पुरुष भी शामिल नहीं किया, उसने सीधा ईश्वर बोला कि ईश्वर के कारण इस संसार की उत्पत्ति हुई और जो ईश्वर है उसी के कारण जो है वो वही आदि है, वही अंत है, वो अजन्मा है और सभी विनाश उसी के कारण होते हैं, सभी को उत्पन्न वो करता है। ऐसा विश्वकर्मा ने अपनी थ्योरी में या अपने अनुसार उसने बताया। उसने कहा कि ईश्वर एक पिता के समान है जो हम सबको उत्पन्न करता है और ईश्वर और यम के रूप में वो हमारे कार्य के परिणामों के कार्य का परिणाम देता है। यानी कि जो भी करता है वो ईश्वर करता है, वो उसका जन्म नहीं हुआ, वही सर्वशक्तिमान है, वही आदि है, वही अंत है। तो इस तरीके से इन सभी लोगों ने संसार की उत्पत्ति के लिए अपनी अपनी थ्योरी दी, जो कि बुद्ध ने सभी ऋषियों को आदरणीय नहीं माना। उन्होंने केवल 10 ही एक ऐसे ऋषि थे जो मंत्रों के रचयिता थे, लेकिन वेदों को बुद्ध की दृष्टि में वेद जो है मरुभूमि के समान बेकार थे। और वेदों में ऐसा कुछ भी नहीं था जो सीखा जाए या जिसको ग्रहण किया जाए, इसीलिए बुद्ध ने उन वेदों का बहिष्कार किया। और जो वैदिक ऋषि थे उनके दर्शन में भी कोई सार नहीं दिखाई दिया, क्योंकि जिस सत्य की खोज में वो कर रहे थे उस सत्य तक वो पहुंच ही नहीं पाए। तो और जो भी उनकी जो ये जो सारे सिद्धांत थे जो उन्होंने सिद्धांत करे थे वो सिर्फ मनुकाम कल्पना की या उनकी कल्पना की एक उड़ान थी, क्योंकि ना तो उसमें कोई तर्क था और ना ही उसमें यथार्थ या ना ही उसमें कोई सच्चाई थी। इसीलिए बुद्ध ने इनका बहिष्कार किया, इनको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि जितने भी ये ऋषि थे या जितने भी ये अपने आप को जो दार्शनिक मानते थे वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मंत्रों का उच्चारण करते थे क्योंकि उनको अपनी अपना उनको भला करना था। वो अपने भले करने के लिए वो मंत्रों का उच्चारण करते थे और ये जो वेद थे वो एक इंसान से दूसरे इंसान को के ऊपर शोषण या उस अत्याचार का एक कारण मात्र था। इसीलिए जो है बुद्ध ने इन वेदों का बहिष्कार किया और वैदिक ऋषियों को भी उन्होंने उनको भी कल्पना के परे ही समझा, क्योंकि वो भी कल्पना में जीते थे। इसलिए सिद्धार्थ गौतम ने न केवल वेदों का बहिष्कार किया बल्कि इन वैदिक ऋषियों को भी कल्पना से परे ही माना। तो ऐसे क्योंकि सिद्धार्थ गौतम जो है बुद्ध बन गए थे और उन्होंने सत्य को प्राप्त कर लिया था और वो जो ये सारी चीजें जान पाए थे वो उसी ज्ञान के कारण जान पाए थे जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था। तो ऐसे बुद्ध थे और बुद्ध ने हमेशा मानवता के लिए, करुणा के लिए और मैत्री के लिए, भाईचारा के लिए उन्होंने एक नया रास्ता खोज लिया था, क्योंकि वो जान गए थे कि संसार में दुख है और उन दुख को कैसे दूर किया जा सकता है, ये बुद्ध जान चुके थे। तो इसीलिए उन्होंने इनका बहिष्कार किया, क्योंकि इनमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो जिससे कुछ सीखा जाए। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो यही समाप्त होता है। कल फिर से एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं शकुन बहुत अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से
नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय श्री। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।